नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में आज कानून मंत्री प्रमोद कुमार शिरकत किए। वहीं उन्होंने मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए कहा है कि अनिल हेगड़े को राज्यसभा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भेजे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो 37 साल से कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे और उन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया है। ये बड़े ही काबिले तारीफ है। यही नहीं, उन्होंने अपराध को लेकर के भी कहा है कि 2005 का ग्राफ देख लीजिए और अब का ग्राफ देख लीजिए, काफ़ी कम हुआ है और अब जो है अपराधियों पर कार्रवाई होती है और जो भी कार्रवाई होती है, जो भी सामान अगर जब्त किए जाते हैं तो वो सरकार उस पर सरकार नियंत्रण कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को लेकर के भी कहा है कि उन्होंने कोविड के समय में अस्पताल खोल रहे थे और अब पाठशाला खोल रहे हैं तो उनके पास में डॉक्टर और विद्वानों की कमी नहीं है। यही नहीं, जब उनसे सवाल किया गया कि IAS पूजा सिंघल पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, क्या बिहार में भी जो अपराधी भ्रष्ट हैं उन पर कार्रवाई होगी, तो उनका साफ तौर से कहना है कि वो एक ऐसे IAS जिनका गिनीज बुक में नाम दर्ज था, आज उन पर कार्रवाई हो रही है तो बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री NDA के नेता श्रीमान नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने प्रभु राम राज जो हम लोग राम मंदिर बना रहे हैं और राम राज जो महात्मा गांधी जी ने राम राज की कल्पना की थी और राम राज क्या है इसको भी समझने के दिशा में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभु राम के दो पुत्र थे, लव और कुश, लेकिन लव कुश को हम लोग आज नहीं पूछते, लेकिन राम के सेवक कौन थे तो हनुमान। आज पूरा देश हनुमान को पूछता है। उसी तरह राम के अनुसार जो पार्टी के सेवक था, सेवक हैं अनिल हेगड़े, वो जो 37 वर्ष से आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ काम किए, वैसे कार्यकर्ता को आज राज्यसभा में भेजकर ये सेवक को एक स्थान देने के दिशा में जो काम किए हैं, ये राम राज के सेवक के समान है। प्रभु राम जब जल समाधि ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हे हनुमान, हनुमान जी भी साथे साथे जा रहे थे, तो कहा था कि हनुमान तुम अभी जल समाधि मत लो, तुम कलयुग के भगवान और तुम्हारा ही अनुकरण, सेवक का ही अनुकरण देश करेगा। तो आज NDA के जो सेवक थे अनिल हेगड़े जी, उस सेवक को सम्मान देकर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जो राजनीति के अंदर बहुत सारे लोग राजनीति में राज्यसभा में जा रहे हैं, अपना अपना बाल बच्चा, अपना अपना परिवार, अपना अपना सिस्टम के लोग को ले जा रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है इसको कोटि कोटि धन्यवाद है और बधाई है। आपको लगता है कि दूसरी पार्टी जो है पैसा लेकर ये, मैं बात नहीं करता हूँ, लॉ कुछ के फेरा में तो नहीं है मुख्यमंत्री जी, क्या समझे, नहीं समझ सकते। सर, ज्ञान बापी जो मंदिर है अयोध्या में नहीं है, काशी विश्वनाथ के गौरी पार्वती को उस जमाना में लोग ज्ञान बापी कहते थे, जो माता की जो स्थल थी जहाँ ज्ञान का प्रकाश मिलता था। और मैं क्या कहूँगा, वो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस विषय को देख रहा है, हम एज ए लॉ मिनिस्टर उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि 500 बरस का अतीत अयोध्या का राम जन्मभूमि, राम लला का जन्मभूमि है, न्यायालय ने कहा और उस अतीत के साक्ष्य को देखा और 500 बरस बाद ही सही न्यायालय ने जजमेंट दिया और आज वहाँ मंदिर बन रहा है। कहा जा रहा है देश का माहौल बिगड़ रहा है, देश टूटेगा, दुनिया में मजाक बन रहे हैं सब। देश जो है भारत के संविधान के आधार पर चलता है, जाति मजहब धर्म के आधार पर देश नहीं चलता है। भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर
प्रभु राम लला के दरबार का फोटो है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर और इस बिहार के महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस संविधान को बनाया और जिस पर राम लला का दरबार का फोटो दिया, आप देख सकते हैं। आप आइएगा हमारे डेरा पर, हम संविधान के कॉपी है दिखा देंगे। उसमें अकबर का फोटो है, अकबर का, बाबर का फोटो नहीं है, नालंदा विश्वविद्यालय है। हनुमान जी का उड़ता हुआ फोटो है। तो जो भारत संविधान बनाने वाले लोग थे, जो संविधान बनाए, जिस संविधान पर आज देश चल रहा है आज, अगर और उस संविधान को लोग खतरा की बात बताते हैं, तो जो संविधान नहीं देखे हैं, संविधान को नहीं समझे हैं, वो असहिष्णु भारत कहने वाले लोग हैं, जो भारत की गरिमा को असहिष्णुता पैदा कर। पहले अपराध और अपराधी अपराध करते थे तो पकड़े नहीं जाते थे, कोई ना कोई राजघराना के लोग उसके संरक्षक संवर्धक होते थे। आज अंतर यह है कि चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, बिहार, यूपी, ऑल ओवर इंडिया की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये पूरे देश पैमाने पर अपराध की जो घटना है और दुनिया पैमाने पर, मैं तो इंग्लैंड भी गया, वहाँ भी अपराध का ग्राफ कोई डाउन नहीं है। तो अपराध जो है ये एक, इसका एक अपना तकनीक है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी की बात ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार, बिहार सरकार ने और भारत सरकार ने भी इसके लिए एक डाटा ऑनलाइन ये सब व्यवस्था कर रहा है। तो अब जो अपराधी अपराध कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं, चिन्हित हो रहे हैं, रिकवरी हो रहा है लूट की संपत्ति का, और उसको स्पीडली ट्रायल कराकर उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन 2005 में जो सरकार बनी थी, उस समय का माहौल और अभी का माहौल में बहुत अंतर हो गया है। देखिए, माहौल में कोई अंतर नहीं है। उस समय जो लोग थे और आज के लोग थे, दोनों लोग तो वही हैं, माहौल और लोग में अंतर कहाँ हुआ? सर एक सवाल है सर, तेज प्रताप यादव जी पर पाठशाला शुरू करने जा रहे हैं, वैसे बच्चों को पढ़ाएंगे जिनको बिहार के स्कूल पर विश्वास नहीं होगा या उन लाइफ। अच्छी बात है। इसके पहले तो क्या बोलते हैं, वो कोविड के समय में हॉस्पिटल शुरू किए थे, आप ही लोग ना दिखाए थे सब बेड सहित हॉस्पिटल, एक से एक डॉक्टर उनके घर परिवार में था, कोई इलाज भी नहीं कर सकता। वो तो अपने एक से एक विद्वान महापुरुष लोग हैं, पढ़ाएंगे किसी बहाने, समाज का सेवा तो होना चाहिए, अच्छी बात है। पाठशाला शुरू हो पाएगा सर? तो अब पढ़ने वाला ना समझेगा कि पढ़े कि ना पढ़े, पढ़ाने वाले के पास पढ़ने वाला जाएगा तब ना पढ़ाएगा। ये बात हम नहीं कमेंट करेंगे, अच्छी बात है। पढ़ा पाएंगे वो लगता है बच्चों को? ये तो उनसे पूछिए पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, अब ये क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, या उनकी मम्मी पापा ज़्यादा बताएंगे कि मेरा बेटा क्या कर सकता है नहीं कर सकता है, अब उनके माता पिता के अधिकार हम कैसे ले लेंगे। भाई तो वह तो उसी से, उन्हीं से ना पूछेगी कि उसका प्रोग्रेस ऑफ रिपोर्ट शिक्षा विभाग में ले लीजिए, कितने पढ़े कितने कहाँ गए। न्यायालय के फुल बेंच ने क्लियर जजमेंट दिया है, और भारत की संविधान की मैं चर्चा कर रहा था, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 141 आर्टिकल 142 में है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के फुल जजमेंट होता है तो उस जजमेंट को रूल ऑफ लॉ माना जाता है, और उसी रूल ऑफ लॉ के तहत विधानमंडल के चलते सत्र में अपने माननीय विधायक संजय सरौंगी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी विधान परिषद में, और महिला क्या नाम था जो अपने जो MLC है, क्या निवेदिता सिंह, इन लोगों ने सवाल उठाया और बजाबते 2 दिन इस पर बहस चला था, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिया सभी राज्य के जिलाधिकारी को कि ये भारत के संवैधानिक जो रूल ऑफ लॉ है इसके तहत जो भी परिसंपत्ति है इसका संरक्षण कीजिए
संवर्धन कीजिए, इसकी पैमाइश कीजिए, इसे चिन्हित कीजिए और वहाँ पिलर हलाइए। और जिला अधिकारी जो राज्य के कई जिला अधिकारी हैं वे लोग अब सरकार ने तय किया कि गुरुवार और बुधवार को जो भी ऐसे परिसंपत्ति है क्षेत्र भ्रमण में हमारे अंचल अधिकारी नीचे के अधिकारी जाएंगे और इन संपत्तियों को चिन्हित करेंगे। ऐसे मुजफ्फरपुर में भी हुआ, शिवहर के डीएम ने भी किया और मोतिहारी के भी डीएम किए और राज्य के ऐसे कई जिला अधिकारी ने जो सरकार का मुख्य सचिव महोदय का जो निर्देश हुआ है कि गुरुवार और बुधवार को क्षेत्र में जाना है, तो क्षेत्र में जाना है तो ऐसी जो गवर्नमेंट की परिसंपत्ति है, ऐसी जो धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्ति है या अन्य जो प्रतिकदिम जमीन है, गौशाला की जमीन है या जो भूमि विवाद वाला भूमाफिया सब के अल्टर के फेर में, तो इसको दो दिन में आपको देखना है और इसको रिपोर्ट तैयार करना। और ये काम तेजी से हो रहा है। और सुन लीजिए, अभी कैमूर में अभी आज ही हम आप ही के चैनल पर देखे हैं कि कैमूर में बुलडोजर चल रहा था कैमूर में। तो ये सब काम कहे ना, सरकार का चक्का थोड़ा धीरे चलता है, बहुत बारीकी से चलता है, बहुत बारीकी से फूंक फूंक कर चलता है। और ऐसे जो भी जो प्रॉपर्टी मठ मंदिर के खड़पे हुए हैं वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार वह मुक्त होंगे और उस पर फिर भगवान जो हमारे इष्ट देव हैं, यही हमारे देव हैं, उन्हीं को रखना है और उन्हीं के, चूंकि सर्वे हो रहा है, मेरे नाम का सर्वे जब मेरे नाम पर होगा तो देवता के नाम का सर्वे दूसरे के नाम पर क्यों होगा। प्रधानमंत्री महोदय का कहना है कि जिसको भूमि होगा उसको भू स्वामी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि जिसके नाम की भूमि होगी उसका सर्वे में नाम होगा। मंदिर की जमीन पर कब्रिस्तान की घेराबंदी गलत है मंत्री जी, वो तो एकदम हटा दिया वहाँ तो एसडीओ ने, पूर्णिया के एसडीओ ने उसको उसी समय हटा दिया।